हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिक्स टैट का चैप्टर नंबर 3 एस्टिमेशन थ्योरी 1 पॉइंट एस्टिमेशन का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पॉइंट एस्टिमेशन की एग्जांपल्स की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। व्हाट इज पॉइंट एस्टिमेशन? हमने पॉइंट एस्टिमेशन की डेफिनेशन बतानी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसका मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एन एस्टिमेटर। हमने डिफरेंस बताना है एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट का। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर 4 मार्क्स। पॉइंट एस्टिमेशन, ए सिंगल वैल्यू ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स, एक सिंगल वैल्यू है ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स दैट इज यूज टू एस्टिमेट द अननोन पॉपुलेशन। ये किसके लिए यूज होता है? एस्टिमेट मीन्स कि किसी चीज को एस्टिमेट करने के लिए अननोन पॉपुलेशन विद पैरामीटर थीटा। थीटा को डिफाइन करने के लिए या एस्टिमेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पॉइंट एस्टिमेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट एस्टिमेशन। एंड दैट सिंगल नंबर इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ थीटा। जो हमारा सिंगल नंबर है कौन सा? थीटा, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट एस्टिमेशन। नाउ अब हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट। डिफरेंस क्या है इसका? एस्टिमेटर। फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं? एस्टिमेटर। दो सैंपल्स क्या है हमारे? दो सैंपल स्टैटिस्टिक्स फंक्शंस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। सैंपल ऑब्जर्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? जो जिसके साथ फंक्शन लगा हो। फंक्शन मैंने क्या लिया है यहाँ पे? फाई। आप यहाँ पे एफ भी ले सकते थे, फाई ऑफ एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स एन। ये हमारी क्या है? रैंडम सैंपल है जिसका साइज क्या है? एन। विच आर यूज टू एस्टिमेट द अननोन पॉपुलेशन। पैरामीटर क्या था हमारा? थीटा। इज कॉल्ड एस्टिमेटर। इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टिमेटर ऑफ थीटा। इसकी आपको डेफिनेशन भी आ सकती है, व्हाट इज एस्टिमेटर? सो एस्टिमेटर क्या है? दो सैंपल स्टैटिस्टिक्स से फाई ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन विच आर यूज टू एस्टिमेट द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा इज कॉल्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। इफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन बी ए रैंडम सैंपल जिसका साइज क्या है? एन। फ्रॉम द पॉपुलेशन, ये हमने कहां से लिया है? पॉपुलेशन से। देन फाई ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन विल बी एस्टिमेट ऑफ द अननोन पॉपुलेशन विद पैरामीटर क्या है हमारा? थीटा। जो सिंगल नंबर पैरामीटर है हमारा, जो थीटा है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट एस्टिमेशन। इसको हमेशा याद रखना है आपने। एस्टिमेटर्स आर यूज इन टू डिफरेंट वेज। जो हमारा एस्टिमेटर है वो टू डिफरेंट वेज से यूज होता है। फर्स्ट तो हमारा है एस्टिमेट पॉइंट एस्टिमेशन, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। नेक्स्ट क्या है? इंटरवल एस्टिमेशन, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है। अगर आपने चैप्टर नंबर 4 नहीं किया है तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर नंबर 4 कर सकते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन क्या है हमारा? बेस्ड ऑन सैंपल डाटा। जो हमारा पॉइंट एस्टिमेशन है वो किस पे बेस्ड है? सैंपल में। सैंपल मतलब एक्स वन एक्स टू एक्स एन। सैंपल डाटा, जो हमारा उसका डाटा होता है, जैसे हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं वैसे हमारा जो सैंपल डाटा होता है। ए सिंगल नंबर इज कैलकुलेटेड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर। द रूल और फॉर्मूला दैट डिस्क्राइब दिस कैलकुलेशन इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेटर। जो भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं किसको फाइंड करने के लिए? एस्टिमेट फाइंड करने के लिए, उसे हम बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेटर। एंड द रिजल्टिंग नंबर, जो उसका आंसर आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट एस्टिमेट। इसका मतलब क्या है? जो भी हम, जैसे हमारे पास मीन है, मीन का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो क्या आता है हमारा? पॉइंट एस्टिमेटर। जो उसका आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट एस्टिमेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इंटरवल एस्टिमेटर। इंटरवल तो आपको पता ही है, जो हमने छोटी क्लासेस में किया है, ए कॉमा बी, ये हमारा क्या होता है? इंटरवल। ये क्या है? क्लोज ब्रैकेट। ए क्या होती है? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? अंटीरियर पार्ट। और जो क्लोज
क्लोज ब्रैकेट आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, जो इक्वालिटी है वो भी इसके साथ चलेगी। बेस्ड ऑन सैंपल डाटा, जो इंटरवल एस्टिमेटर है वो भी किस पे डिपेंड है, सैंपल डाटा पे। टू नंबर्स, इसमें कितने नंबर्स होते हैं, टू नंबर्स होते हैं, आर कैलकुलेटेड टू फ्रॉम एन इंटरवल। ये हमारा क्या है, इंटरवल विद विच द पैरामीटर इज एक्सेप्टेड टू लाई। इसमें क्या होते हैं, हमारे जो पैरामीटर्स हैं लाई करते हैं। द रूल और फॉर्मूला दैट डिस्क्राइब दिस, जो भी हम फॉर्मूले लगाते हैं, जैसे मीन बताया था, जो भी हम फॉर्मूले लगाते हैं उस कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं, इंटरवल एस्टिमेटर, और जो उसका आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरवल एस्टिमेट। ये हमारे सेम पॉइंट है। इसे इंटरवल एस्टिमेट का दूसरा नाम क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, जो भी हम फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, उसका जो आंसर आता है, रिजल्टिंग पेयर ऑफ नंबर्स आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो यहां तक फिनिश हो गया हमारा एस्टिमेटर। नेक्स्ट क्या है हमारा एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या होता है, द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मतलब जैसे एक्स इक्वल टू वन है, तो वन क्या है, उसकी एक्चुअल वैल्यू है। द एक्चुअल वैल्यू टेकन बाय द एस्टिमेटर्स आर कॉल्ड एस्टिमेट। जो एक्चुअल वैल्यू होती है किसी भी एस्टिमेट की, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू वन, और उसे हम क्या बोलेंगे, एस्टिमेट, मीन्स कि उसको हमने एस्टिमेट नहीं किया है। बाय थीटा डिनोट्स द पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड, मीन्स कि जो थीटा है वो किसको डिनोट कर रहा है, हमारा एस्टिमेटेड को, क्योंकि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जो थीटा है वो किस में लाई करता है, जीरो टू वन। देन द सिंबल्स थीटा कैप, जो हमारा थीटा कैप है वो किस में से लिया है, हमने थीटा में से ही लिया है, ये हमेशा याद रखना है हमने। थीटा कैप डिनोट्स द पॉइंट एस्टिमेट, जो ये थीटा कैप है वो किसको डिनोट कर रहा है, पॉइंट एस्टिमेट को। दस थीटा कैप इज एन पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या है, वी वॉन्ट टू एस्टिमेट पैरामीटर म्यू। म्यू का मतलब क्या होता है, मीन। द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, ए रैंडम सैंपल ऑफ फाइव स्टूडेंट। इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, फाइव स्टूडेंट्स हैं, जिसकी हाइट क्या क्या है, x1 वन इज इक्वल टू 5.6 फीट, x2 टू इज इक्वल टू 5.8, x3 इक्वल टू 5.11 सॉरी 11, x4 इज इक्वल टू 5.7, x5 इज इक्वल टू 5.9। देन इसको एस्टिमेट कैसे करेंगे, सैंपल मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल टू, x बार मतलब मीन, मीन का फॉर्मूला हमने स्मॉल क्लासेस में किया है, क्या होता है, समेशन xi अपॉन n, ऊपर हमने सबका सम कर दिया, अपॉन टोटल कितने थे हमारे पास, 5, तो नीचे 5। देन हमने सिंपली प्लस कर दिया, इसके लिए आप सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। देन डिवाइड करके क्या आ गया, x बार इज इक्वल टू 5.622। इसे जो हमारा आंसर आया, पीछे हमने क्या किया था, कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो जो हमारा आंसर आया उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरवल एस्टिमेट या पॉइंट एस्टिमेट या कॉन्फिडेंस इंटरवल। जो हमने फॉर्मूला यूज किया है वो क्या है हमारा, पॉइंट एस्टिमेटर और इंटरवल एस्टिमेटर। सो यहां से आपको जो इसकी कंफ्यूजन है वो आपकी क्लियर होगी होगी। जो हमारा आंसर आया उसे हम बोलेंगे एस्टिमेट, जो फॉर्मूला यूज किया उसे एस्टिमेटर, और इसका दूसरा नाम क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। Thus the value of x bar की वैल्यू कितनी आई है, 5.622, may be taken as point estimate of mu, means कि इसकी वैल्यू म्यू की इक्वल है, क्योंकि हम मीन के लिए म्यू यूज करते हैं या x bar यूज करते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में किया था मीन को किसके साथ डिनोट करते हैं, या तो म्यू या x bar। x bar मतलब स्टेटिस्टिक्स, और म्यू क्या है, एक पैरामीटर है। एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज, दैट इज सैंपल मीन एक्स बार यूज एज ए पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। द स्टेटमेंट पॉइंट एस्टिमेट
ऑफ थीटा इज 5.62 इज रिटन एज, इसको कैसे राइट करते हैं हम पॉइंट एस्टिमेटर को, थीटा कैप के साथ, जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन के साथ किया था, ये देखो हमने किया था ना। दस थीटा कैप इज एन पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। सो ये क्या हमारा एस्टिमेट है, जिसको किसके साथ डिनोट करते हैं, थीटा कैप के साथ। रिटन एज थीटा कैप इज इक्वल टू 5.62। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।